कि हमारे झारखंड का राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची। बड़े होके क्या बनोगे? टीचर बनोगे? क्या मजदूरी करोगे? नहीं, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनोगे? टीचर। तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं डॉक्टर बनूंगी। अच्छा, झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची। अच्छा, भारत का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। अच्छा, झारखंड का मुख्यमंत्री का नाम? श्री चंपन सोरेन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी हम जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में, यहाँ पे देख सकते हो उत्कर्मित प्राथमिक विद्यालय चिरुडी, ठीक है। यहाँ हम जैसे स्कूल पहुँचे, यहाँ का साफ़ सफाई, सबसे पहले साफ़ सफाई अच्छा लगा। तो अभी हम सबसे पहले यहाँ का विद्यार्थियों से आप लोग को मिलाते हैं। जो ये प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पे पाँच क्लास तक ही पढ़ाई होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप यहाँ पे टीचर सर देखिए, सर ये बताइए पाँच क्लास कौन सा है? पाँच क्लास यहाँ बगल में है। अच्छा, आइए सर, ये है पाँच क्लास। देखो ये भी तो टाइम गुड मॉर्निंग का नहीं है। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। ये बताओ कि स्कूल का नाम क्या है? उत्तरमिक प्राथमिक विद्यालय चिरुडी। फिर से बोलो। उत्तरमिक प्राथमिक विद्यालय चिरुडी। तुम रुकिए, आप अभी मत बोलिए, आप बताइए स्कूल का नाम। उत्तरमिक प्राथमिक विद्यालय चिरुडी। उत्कर्मित प्राथमिक विद्यालय चिरुडी बांकोडी। ये सही बोला, उत्कर्मित होता है। क्या है? उत्कर्मित। उत्कर्मित, ठीक है। ये बताओ कि क्लास डेली आते हो? यस सर। झूठ बोल रहे हो? नो सर। यूनिफॉर्म का पहना? सर धोने दे दिए थे। धोने दे दिए हैं? तो देखो, यूनिफॉर्म पहन के स्कूल आना है। अब नाम क्या है? बैठ जाओ तुम। नाम क्या है? बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, तुम खाली खड़े रहो, बैठो। हाँ, विकास हासदा। अच्छा, कितना क्लास में पढ़ते हो? फाइव क्लास में। रोल नंबर कितना है? 38। अच्छा, ये बताओ कि हमारे झारखंड का राजधानी कहाँ है? झारखंड की राजधानी रांची। रांची। और हम भारत का राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी नई दिल्ली। नई दिल्ली, बहुत बढ़िया। ये देखिए, कल आप लोग को जो स्कूल दिखाए थे, और ये स्कूल में बताइए कि जमीन आसमान का फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? ये बच्चा भी पांच क्लास में पढ़ते हैं, है ना बाबू? मतलब जैसे सवाल करते हैं पहले ही हम जवाब रेडी रखते हैं बच्चा लोग। तो जो बच्चा लोग बोलते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, सरकारी स्कूल का नाम आप लोग बदनाम करते हैं, देखिए यहाँ के बच्चों से मिलिए। ये है बाकुडी का चिरुडी गाँव, है ना? चिरुडी बाकुडी का ये जो विद्यार्थी आप लोग देख रहे होंगे, ये बच्चे लोग का दिखाए के पढ़ाई और भविष्य, ठीक है। ये बताओ बाबू, बड़े होके क्या बनोगे? टीचर। टीचर बनोगे? ये पापा क्या करते हैं? बाहर में काम। मजदूरी करते हैं? हाँ। ये देखिए, ये भी बच्ची मजदूर का बेटी है ना बाबू? हाँ। ठीक है। यहाँ पे देखिए, जितना भी सरकारी स्कूल में आप लोग को बच्चा दिखेगा, जितना दिखा चुके हैं, यहाँ पे कोई अमीर का बच्चा नहीं पढ़ता, यहाँ पे सब गरीब का ही बच्चा पढ़ता है ना सर। और बाकी बात, जो भी स्कूल में पढ़ाई होता है, अगर बच्चा के ऊपर रहता कि बच्चा मेहनत करता है कि नहीं करता है। कहीं कहीं टीचर भी थोड़ा मतलब ये करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दिखाएं जो स्कूल आप लोगों को, ये स्कूल में पढ़ाई होता है ना बाबू? हाँ। अच्छा, ये बताओ कि तुम कौन सा राज्य में रहते हो? राज्य। कौन सा राज्य में रहते हो? झारखंड। झारखंड में। ये देखिए, इधर ले आइए, ठीक है। तुम्हारा नाम बाबू? डिवीशन हसदा। कितना क्लास में पढ़ते हो? फाइव। पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। आपको सब मजदूरी करते हुए नजर आएंगे, देखिए पापा मजदूरी करते हैं। तुम बड़े होगे क्या मजदूरी करोगे? नहीं, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनोगे? देखिए, ये बच्चा से मिलिए, ये बच्चा सोचता है, और बाकी बात सभी बच्चा लोग सोचता है, लेकिन तुम भी सोचता है कि हम बड़े होके कुछ बने, मजदूर नहीं रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा? मेहनत से पढ़ाई ही करना होगा। तुम्हारा नाम क्या बाबू? मेरा नाम रेशमा खातून। रेशमा खातून, कितना क्लास में पढ़ती हो? फोर। पापा क्या करते हैं? मजदूरी। बड़े होके क्या बनोगे? टीचर। टीचर बनोगे? अच्छा, तुमको टीचर बनना है। तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं डॉक्टर बनूंगी। अच्छा, झारखंड का राजधानी कहाँ है? रांची। रांची। भारत का राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। अच्छा, झारखंड का मुख्यमंत्री का नाम? श्री चंपन सोरेन।
प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री नाम बताओ खुतेजा खातून नाम क्या बाबा तुम्हारा नेहा परवीन नेहा परवीन पापा क्या करते हैं वो अभी बीमार है सर अच्छा बीमार रहते हैं भाई है हाँ अच्छा ये बताओ कि झारखंड का राजधानी कहाँ है झारखंड का राजधानी रांची अच्छा बड़े होकर क्या बनोगे डॉक्टर अच्छा अजय ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे बैठो वेलकम ये बताओ कि नाम क्या तुम्हारा जुबेदा खातू अच्छा ABCD आता है हाँ सर अच्छा भोयल के बारे में पता है नहीं पता है अच्छा बैठ जाओ तुम्हारा नाम क्या है रबीना खातून रबीना खातून भारत का राजधानी कहाँ है नई दिल्ली अच्छा तुम इतना छोटी है ना तो हमको दिखता ही नहीं है तुम थोड़ा इधर आ जाओ उम्र कितना है दस साल कितना क्लास में पढ़ती हो फोर में अच्छा ABCD आता है हाँ सर सुना तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ अच्छा चलो बहुत बढ़िया तुम्हारा नाम बाबू है शिवा खातून अच्छा बड़ा क्या बनोगी पुलिस वाह एक नंबर हम लोग को मत गिरफ्तार कर लेना ठीक है कभी गलती हो जाएगा तो ठीक ना करोगी गिरफ्तार नहीं सर अच्छा पापा क्या करते हैं बाबू पंडाल का काम मजदूरी करते हैं ना पंडाल मजदूरी में आता है ना तुम्हारा नाम बाबू अफसाना परवीन अच्छा पापा क्या करते हैं मजदूरी करते हैं ठीक है बैठ जाओ सब मजदूर का ही यहाँ पे बच्चा पढ़ता है नाम जैनब खातून नमाज पढ़ती हो हाँ अच्छा दिख रहा है रोजा रखी हो नहीं रखी हो अच्छा पापा क्या करते हैं मजदूरी करते हैं ABCD आता है हाँ गिनती आता है हाँ कितना तक गिनती आता है छः गिनती छः तक आता है एक दो तीन चार पाँच छः सात इरंग इरंग करने जाना है कहाँ ले जाना है एक साल जाना है अस्सी के बाद गन अस्सी के बाद गिनो इक्यासी बिरासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सतासी अट्ठासी नवासी नब्बे चलो तुम कहाँ गए तुमसे वो सवाल पूछेंगे तुम ज़्यादा इंटेलिजेंट हो हाँ अच्छा चार अंक का सबसे बड़ा संख्या बताओ चार अंक का नौ हज़ार 999 ठीक है अब बच्चा है अभी उतने फोर क्लास में पढ़ती है नाम क्या है तुम्हारा सखीना खातून ये बताओ कि पापा क्या करते हैं मजदूरी अच्छा बड़े हो क्या बनना है डॉक्टर थोड़ा दिखाइए खाना तो आज शनिवार है है ना सर शनिवार को खिचड़ी बनता है डेली अलग अलग प्रकार का खाना बनता है बाबू अच्छा कल क्या मिला था कहाँ गया कल क्या बना कल क्या मिला था अंडा मिला था हाँ अंडा दिए थे सर हाँ तो कल शुक्र था ना अच्छा जुम्मा था कल हाँ जुम्मा को अंडा शुक्रवार जुम्मा था ये बताओ कि कल क्या मिला था अंडा मिला था दाल भात सब्जी अंडा हाँ क्या क्या मिला था सब्जी अलवा बताओ कि कल क्या मिला था अंडा और कल तो फिर स्कूल छुट्टी रहेगा आने वाला कल छुट्टी रहेगा होली का अभी सारा बच्चा खाने में व्यस्त है ना चलिए यहाँ का खाना बनाने वाले से थोड़ा हमको मिला दीजिए आपका परिचय दीजिए चाची आप यहाँ का लेला खातून अच्छा आप यहाँ का कौन है स्कूल संजू का अच्छा और आप रसैया कितना आपका वेतन अच्छा कितना वेतन है आपका 2000 और आपका 2000 वेतन प्रॉपर मिल रहा है नहीं तो कहाँ मिले नहीं मिले कितना विद्यार्थी खाना बनाते हैं 100 बच्चा हो तो आज कितना बना आज बना लो 9 किलो 9 किलो मतलब कितना विद्यार्थी खाना लगभग कितना विद्यार्थी 100 बच्चा का खाना रोजा रखे हैं रोज 250 300 बच्चा यहाँ है तो मंगनी खिलाबे खटबे वेतन कितना बोले चाची 2000
इसमें आपका समय पर नहीं मिली, कहाँ मिलता समय समय पर इबे नहीं करी उठा, एक इतना मेहनत करा रोजाम रोजाम दतला ने पैसा कहाँ डाल के। सरकार की मर्जी है, देखिए जब जब उसका समय होता है या पैसा सरकार के पास अवेलेबल होता है तो वो लोग को देता है, लेकिन समय पर मिलना चाहिए। और 2000 में कुछ होता जाता नहीं, कम से कम 5000 रुपया ये लोग को होना चाहिए मंथली होना। हाँ, मंथली कम से कम 5000 होना चाहिए और समय पर मिलना चाहिए, यही बात जेते थी कि के सरकार ने जेते 3300 में रोजगार से सब नहीं से सब हम नहीं वटनी मजदूरी वही हिसाब को हम यूं दे 300 रोज नहीं दो। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सरकार ने दे से मजदूरी हम नहीं दो ने, हमने इतना मेहनत करबे तो हमने की मांगनी खटबन की। सही बात है, सही। आप थोड़ा दिखाइए स्कूल का नाम दिखाइए। देखिए उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय चिरुडी जो जामताड़ा के नारायणपुर प्रखंड में पड़ता है ना सर, यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए थे। यहाँ पे जब हम लोग आए तो स्कूल का सबसे पहले दिखाइए कि साफ सफाई बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और यहाँ का जैसे कि बच्चों को हम देखें, विद्यार्थियों को देखें, तो आप लोग तो लाइव देख ही लिए कि यहाँ का पढ़ाई किस तरह। ये भी एक सरकारी स्कूल है ना कि ये एक प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पे सेम टू सेम मान के चलिए प्राइवेट का ही जैसा यहाँ पे पढ़ाई होता है, ठीक है। और जितना भी विद्यार्थी है हमने लगभग सभी विद्यार्थी से पूछ लिया कि किस तरह यहाँ पे पढ़ाई होता है और मतलब क्वेश्चन वगैरह भी वो तो आप तो पूछ ही रहे हैं, देख रहे हैं। दीवार यहाँ होना चाहिए, चार दीवारी बहुत जरूरी है, इसलिए कि बच्चे की सेफ्टी के लिए बच्चे बाहर निकल जाते हैं, रोड है सामने में, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है इस तरह से, तो इस तरह से जिम्मेवारी रहता है। बगल में इधर है जैसे खेलने का जगह, तो इधर खिलाते हैं हम लोग फिलहाल, अब है ना जी बिल्कुल। और टंकी है आपके यहाँ पानी मीनार चार मीनार क्या क्या बोलता है मीनार, वो तो नहीं है अभी, पेयजल की व्यवस्था जो है चापाकल है, हम लोग का विद्यालय में दो दो चापाकल है तो उसी से हम लोग काम चला लेते हैं। अच्छा, आपका आप यहाँ का? हम यहाँ का सहायक अध्यापक है, मोहम्मद हबीब अंसारी मेरा नाम। कौन सा सब्जेक्ट का टीचर है? ऑल सब्जेक्ट का टीचर। ऑल सब्जेक्ट का। आप सर आप बताइए आपको कौन सब्जेक्ट? ऑल सब्जेक्ट आई है, प्राइमरी टीचर जो है तो ऑल का ही है। जैसे टोटल आपका कुल मिला करके कितना आपका यहाँ पे विद्यार्थी पढ़ते हैं? हमारे यहाँ नामांकन 286 है कुल मिला, और 286 उस हिसाब से अभी कितना टीचर है? अभी हम लोग चार टीचर हैं ऑलरेडी। चार होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। कितना? 40 में एक टीचर होता है? 40 में एक होता है, लेकिन अभी तो है नहीं उस तरह का अवेलेबल टीचर है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग अभी चार हैं फिलहाल। फूट जीते मर जीबे तुमने क्या देते इतना हमने गारंटी खाना इतना रिक्शा पर खाना बनावा है यार हमने वेतनों सही रहते वेतने मने बाढ़ी तब नहीं बोलते की मड़ुआ के लड्डू बना तो अंडा बना तो दाल बना तो सब्जी बना तो चावल बना तो वो जो उतना बना के वहाँ भेजे वो तो नहीं दे है तो यहाँ बनावे के तो वो लोग नहीं देखे जे बने के खियावे बच्चा लोग किसे इतना मेहनत से खियावे तो के देखे उठा नहीं देखिए मंगनी में खिया रहे बोल मंगनी खियाओ खियाओ खटो मने जे इधर मैं दूध नहीं खोजे तो वो पैसा नहीं मिले खाना नहीं मिले ने चलो हमने नहीं कुछ कहा था नहीं दे है। अभी हम जो विद्यालय को आप लोग को दिखा रहे हैं ये जामताड़ा में उपस्थित चिरुडी बस्ती में उपस्थित है। ये विद्यालय का डिसिप्लिन और एजुकेशन बहुत ही अच्छा है, हर विद्यालय में इसी तरह पढ़ाई होनी चाहिए क्योंकि एक शिक्षक के लापरवाही से पूरा विद्यार्थी का भविष्य खराब हो सकती है। सभी शिक्षकों से हम रिक्वेस्ट करता हूँ कि भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।